अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी एपिसोड 9 में आप देखेंगे नागिन के शादी के फंक्शन की इब्तदा हो चुकी है। मायो की रस्म पे सभी बहुत खुश हैं। नागिन का बहनोई तो बहुत खुश है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि नागिन की शादी एक अमीर शख्स से हो रही है और वो ये सोच रहा है कि वो अपना मतलब भी निकाल लेगा। नागिन भी बेहद खुश है, जबकि दूसरी तरफ नरमीन सुल्तान की शादी तय होने पे हसद की आग में जल रही है। नरमीन घर से जाने लगती है तो उसके वालिद मुजद्दद दुरानी उसे देख लेते हैं और नरमीन से पूछते हैं, कहाँ जा रही हो इस वक्त? तो नरमीन कहती है, सुल्तान की शादी रुकवाने के लिए। तो मुजद्दद दुरानी हैरान होकर कहते हैं, क्या? तो नरमीन कहती है, डैड आज मुझे मत रोकें, मुझे जाने दें, आपने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मुजद्दद दुरानी गुस्से से कहते हैं, क्या करोगी तुम? जान से मार दोगी उसे? नरमीन जो सुल्तान को हासिल करने के लिए पागलपन की हद तक चली गई है, चिल्ला के कहती है, हाँ मार दूंगी उसे, जान से मार दूंगी उस लड़की को। मायो की तकरीब के बाद शादी का दिन आ जाता है तो नागिन ब्यूटी सैलून में तैयार हो रही होती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें सुल्तान दुरानी लेने आए हैं। तो नागिन खुशी से बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है, मगर वहां सुल्तान नहीं बल्कि नागिन को अगवा करने के लिए दो लोग मौजूद होते हैं। एक शख्स नागिन के मुंह पे रुमाल रख के उसे बेहोश कर देता है। नागिन के गायब हो जाने के बाद नागिन का बहनोई सुल्तान दुरानी को कॉल करता है और नागिन के बारे में पूछता है तो सुल्तान कहता है, ना ही मैं नागिन को लेने गया था और ना ही मैंने कोई ड्राइवर भेजा है, आप बस नागिन को तलाश करें, मैं भी उसकी तलाश में लगा हुआ हूँ। दूसरी जानिब बी जान जो सुल्तान और नागिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है, सुल्तान को कॉल करके कहती है, कब ला रहे हो दुल्हन को? तो सुल्तान बीजान को बताता है कि नागिन को किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुन के बीजान बहुत परेशान हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे शाम से रात हो जाती है लेकिन नागिन का कोई सुराग नहीं मिलता। नागिन का बहनोई राशिद अपनी बीवी को कॉल करके पूछता है, नागिन का किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? तो वो गुस्से से कहती है, क्या मतलब किसी और से चक्कर तो नहीं था? तो राशिद कहता है, मतलब क्या, जेहन में एक बात आई तो मैंने सोचा पूछ लूं, तुम बड़ी बहन हो इसलिए पूछ लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मुजद्दद दुरानी फोन पे बात करते हुए किसी से कहते हैं, ये बात मीडिया पे हरगिज नहीं आनी चाहिए और मुझे एक एक पल की खबर देते रहना। दोस्तों इस टीजर में भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर नागिन को किसने अगवा किया, मुजद्दद दुरानी ने, नरमीन ने, या फिर वो शख्स जो राशिद को लालच देकर नागिन से शादी करना चाहता था।